दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल ऑफिशियल वन के चैनल में। मैं हूं आलम और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके ईमेल से कितने एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं, कितने प्राइमरी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं। तो गाइज मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा कैसे आप जान सकते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन में आपने जीमेल को लॉगिन किया है या फिर कौन से प्रोडक्ट में आपका ये ऑलरेडी लॉगिन है। तो गाइज चलिए मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि आपने कौन कौन से एप्लीकेशन पे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे आपने जीमेल को यूज़ किया हुआ है और वो अभी भी एक्टिव है। तो गाइज बहुत ज़रूरी है ये जान लेना। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जब जीमेल ओपन करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे जीमेल ओपन कर लिया, मेरा जो जीमेल है वो लॉगिन भी आप यहाँ देख सकते हो। मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करने वहाँ पे जब यहाँ पे राइट साइड में आप क्लिक करते हो अपने प्रोफाइल में तो वहाँ पे आता है मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो मैनेज योर गूगल अकाउंट में आप टैप करते ही आपका एक नया इंटरफेस खुल के आएगा जो कि आपके अकाउंट के बारे में पूरा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देख सकते हो होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटा, पर्सनलाइजेशन, सिक्योरिटी, पीपल एंड शेयरिंग, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्राइमरी जो आपने यूज़ किया ऐसा ऐसा एप्लीकेशन या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप मोबाइल में भी यूज़ करते हैं या फिर डेस्कटॉप पे यूज़ करते हो तो वो कौन सा है। तो पहले वो मैं चेक कर लेता हूँ डाटा पर्सनलाइजेशन में, और वहाँ आते ही आप नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे थिंग्स यू क्रिएट एंड डू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थिंग्स यू क्रिएट एंड डू, वो भी डाटा एंड पर्सनलाइजेशन में। पर्सनलाइजेशन में आप जाते ही आप देखोगे यहाँ पे, फिर आपको जानी है गो टू डैशबोर्ड। तो गो टू डैशबोर्ड में आप जैसे आइएगा गाइस यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि आपने जो यूज़ किया है, जो भी एप्लीकेशन है चाहे वो फ़ोन का हो चाहे अदर एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जीमेल में आपका कितना है कन्वर्सेशन। 24,703 इनबॉक्स है, कन्वर्सेशन है, सेंट है, ड्राफ्ट है, चैट्स है। यूट्यूब में से अगर देखेगा तो 3 वीडियोस है, इतना सब्सक्रिप्शन, ऐसा आपको पूरा डिटेल मिलेगा। मैप्स में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। पेमेंट्स में देखें जैसे कि पेमेंट वाला भी गूगल पे में, मैंने यहाँ पे क्या क्या रजिस्टर किया हुआ सो है, गूगल प्ले में है, कैलेंडर में है, ड्राइव में है, फोटोज़ में है, 1000+ फोटोज़ है इसमें, अलर्ट्स है, एंड्रॉयड बैकअप है, ब्लॉगर है, ब्रांड अकाउंट, क्रोम, कॉन्टैक्ट, ये सारा डिटेल आप देख सकते हो कि हमारे जो जीमेल में ये सब डिटेल्स रहती है गाइज, ये सारा स्टोर होता है। तो ये तो हमारा प्राइमरी जो एप्लीकेशन होता है वो सब हो गई। अब मैं बताता हूँ थर्ड पार्टी ऐप्स में कौन कौन सा थर्ड पार्टी ऐप्स है जहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट लिंक है। तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे बैक जाना पड़ेगा। बैक जाने के बाद आप गाइज आपको यहाँ दिखेगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आप जैसे टाइप करोगे दोस्तों तो वहाँ पे आप नीचे आओगे, थोड़ा नीचे आते आते आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेगी, एक मैनेज डिवाइसेस एंड मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस। तो मैनेज डिवाइसेस का मतलब है कि कौन कौन से डिवाइस में आपका ये जो ऐप, जो आपका जीमेल आईडी है वो लॉगिन है। तो मैनेज डिवाइस में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज़ में एक है रेडमी नोट 8 प्रो जो कि मैं अभी करेंटली यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद डेस्कटॉप है, उसके बाद यहाँ पे गैलेक्सी A70 है, आसूस रॉग फोन है, ओप्पो रियलमी 3 है, ये मेरा पुराना फ़ोन था गाइज, और गैलेक्सी J5 ये सबसे पहला फ़ोन था एंड्रॉयड मेरे पास जो था। तो ये सारे चीज़ें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने लॉगिन किया हुआ था, और यहाँ पर डेट भी आपको दिख रहा है कि 270 डेज़ पहले ये मैंने किया था, 270 डेज़ पहले, और जो करेंटली मैं अभी यूज़ हो रहा है ये आप देख सकते हो Redmi Note 8 Pro और ये डिवाइस है। तो ये तो पता चल गया कि कौन कौन से डिवाइस में भी है वो भी आपको मालूम चल गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में कौन कौन सा जिसमें मेरा जीमेल मेरा लॉगिन है। तो StreamYard, एक StreamYard मैंने ट्रायल के लिए चेक किया था, तब मैंने वहाँ पे एक्सेस दिया था StreamYard को। Truecaller में भी मेरा जीमेल आईडी वहाँ पे एक्सेस हुआ है, TubeBuddy में भी है, विंडोज़ में भी मैंने लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एनीमेकर एक एप्लीकेशन था, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उसमें था, BandLab ये भी एक एप्लीकेशन था जिसमें मैंने लॉगिन किया हुआ था, Duolingo, Eagle Network, Epic, IndiaMart, IndiaCycle, JotForm, Magisto, PixArt, कोरा, प्रिंटक्राफ्ट, VidIQ, WPS, Zoom, गाइस जितने भी यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है यहाँ पे मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो लॉगिन है। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो गाइस, कैसे हटा सकते हो वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको करनी है लेफ्ट क्लिक करते ही यहाँ पे रिमूव एक्सेस कर देना है, रिमूव एक्सेस करते ही वो हट जाएगा। जैसे कि अब मुझे हटानी है Magisto, यहाँ से हटानी तो यहाँ से हट जाएगा। तो गाइस ये बहुत ज़रूरी है कि अनवांटेड जो भी एप्लीकेशन से आप एक्सेस को हटा लें, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जो भी आपने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ ईमेल आईडी को और वो ईमेल आईडी आपका प्राइमरी ईमेल आईडी है, बहुत काम का ईमेल आईडी, तो वहाँ से आप हटा लें ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आप समझ गए गाइस कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपके, कौन कौन से डिवाइस है, कौन कौन सा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके जीमेल से कनेक्टेड है, सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है और हटाने का भी तरीका मैंने बता दिया यहाँ पे। जैसे रिमूव कर देंगे तो आप रिमूव हो जाएगा
जाएगा आराम से। तो गाइज थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए और इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए गाइज। और आज के लिए बस इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसी टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेगा इस, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहती है। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियोस होगा आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो आज के लिए बस इतना गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू।